हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथेट्री। हम क्लास टेंथ का मैथ कर रहे हैं। आज हमें इसके एक्सरसाइज 9.1 का, जो इस चैप्टर में बस एक ही यही एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया है। अगर वहाँ तक आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या बता रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो अभी हमें ये बता रखा है कि ना, हाइट एक तो है ना बिल्डिंग है और एक टावर है, उनसे उनका एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है, उनके फुट पे, एक दूसरे के फुट पे बता रखा है। तो हमें ये नहीं पता कि वो जो बिल्डिंग है वो बड़ी है या टावर है वो बड़ा है। तो देखो, इसने ना सबसे पहले क्या बता रखा है, मैं क्या लिखती हूँ, एक टॉप बिल्डिंग, ये बिल्डिंग और ये मैंने ले लिया टावर। तो देखते हैं ये सही लिया है क्या हमने। तो ये है ग्राउंड लेवल पे, मतलब ग्राउंड पे ही होंगे बिल्डिंग भी और टावर भी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप ये है, कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है। देखो ये टावर का फुट है, ये बिल्डिंग का फुट है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये टावर का टॉप है। तो इस बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रखा है? 30 डिग्री। ये चीज़ इसने 30 डिग्री बता रखी है। आगे क्या बता रखा है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री, ये बता रखा है। तो देखो हमने सही माना, बिल्डिंग छोटी है इस टावर से, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे टावर को, इसको बिल्डिंग को बढ़ा ले लेती टावर से, तो ये एंगल ऐसे 30 डिग्री का नहीं बनता। 30 डिग्री का एंगल ऐसे ही बनता है और 60 का ऐसे बनता है, मतलब 30 डिग्री वाले में उसको मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, तो ये ऐसे ही बनेगा और ये 60 डिग्री का, मतलब टावर बड़ा है बिल्डिंग छोटी है, ये हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अभी इसके आगे क्या बता रखा है इसने? इफ़ द टावर इज, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, इस टावर की हाइट 50 मीटर है, तो हमें क्या फाइंड करना है? बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो मतलब हमें सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब सी डी फाइंड करना है। ठीक है, सी डी फाइंड करना है। ए बी मतलब टावर की हाइट हमें गिवन है। तो देखो हम इसने कैसे करेंगे, ये हमें बता रखा है दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये वाली है एक ये वाली है, एंगल दोनों में गिवन है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, अगर ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल लेके मैं यहाँ से ये 50 मीटर परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ से बेस निकाल लूँगी, तो बेस तो इन दोनों का कॉमन है ना, इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का, दोनों का बेस सेम है। तो अगर ये बेस निकल गया तो हमारे यहाँ से आराम से इसकी हाइट निकल जाएगी। तो हमारे फर्स्ट हमें क्या करना है कि ए बी सी, इसकी हमें क्या निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल लेके इसका बेस निकालना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी कितना है एंगल इसमें, ए बी सी 10 60 डिग्री, तो ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। तो क्या होता है, 10 60 डिग्री लेके चल रहे हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो वही पी पंडी बद्री प्रसाद हर हर बोले पी अपॉन बी किस में होता है, ये होता है 10 में। तो 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी की वैल्यू कितनी बता रखी है, 50, और बी सी की हमें पता नहीं। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 अपॉन √3 मीटर, क्योंकि ये बी सी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो बी सी ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो ये आ गई बी सी की वैल्यू, मतलब आ गया इसका बेस। अब अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो अभी हम ये वाले ट्राइंगल लेके ये निकाल सकते हैं। तो
देखो, नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, 10-30 डिग्री इच इक्वल्स टू, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, तो पी अपॉन बी कितना हो जाएगा, डी सी अपॉन बी सी। तो यहाँ से 10-30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। डी सी कितना है हमें नहीं पता, बी सी कितना है, बी सी की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाल ली है, मैंने क्या किया 10-30 डिग्री की जगह 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है इसका, डी सी है, हमें नहीं पता बी सी कितना है, बी सी अभी हमने निकाला है, वो पुट कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 50/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी सी निकालेंगे, तो ये 1/√3 है उस, सॉरी √3, तो ये उस साइड जाके इसके देखो ये अपॉन में, तो इस साइड मल्टीप्लाई होएगी, तो ये कितना हो जाएगा 50/√3। तो यहाँ से कितना आ गया 50/√3। हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा और 3 1 जा 2 बच गया और 3 6 जा तो 16/3 मीटर। तो डी सी की वैल्यू कितनी आई है, ये आ गई 16/3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये डी सी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट निकाल दी, उसकी हाइट आई है 16/3 मीटर, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो सब मुझसे फिर से पूछ लेना। अभी मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, ये इसमें ही ना हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर तो गिवन है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अभी हमें अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया ना तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। बस हर एक क्वेश्चन में क्या है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगी, उनमें से हमें ये देखना है कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हमें क्या निकालना है, क्या गिवन है, तो बस वो निकलने के बाद ये आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पे ये हाइट ऑफ द टावर थी, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग थी, देखो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, सॉरी टावर की दे रखी है 50 मीटर, हमें बिल्डिंग की निकालनी है, तो इन दोनों का बेस कॉमन है, तो अगर हम बेस निकाल लेंगे तो यहाँ से बिल्डिंग की हाइट आराम से निकल जाएगी, क्योंकि इसका इस राइट एंगल वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को लेके इसका ये डी सी की हाइट निकाल दी, जो कितनी आई है 16/3 मीटर, ओके। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, टू पीपल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, दो पीपल हैं जो बिल्कुल सेम हाइट के हैं, वो उस रोड के अपोजिट साइड पे खड़े हैं दोनों, ठीक है। विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड है वो 80 मीटर 80 मीटर चौड़ा है। देखो ये रोड है, कितना बता दिया, ये 80 मीटर चौड़ा है, और दो आदमी हैं जो है बिल्कुल सेम हाइट के, ठीक है, ये दो आदमी हैं, ये सेम हाइट के हैं, ये रोड के यहाँ पे बिल्कुल किनारों पे खड़े हैं, ठीक है, ये रोड के इस साइड खड़ा है, ये रोड के इस साइड खड़ा है, और रोड कितना है 80 मीटर वाइड, 80 मीटर चौड़ा है वो, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, सॉरी ये पोल है, हाँ टू पोल्स, ये दो पोल है, ये भी पोल है, आदमी नहीं खड़े यहाँ पे, दो पोल स्टैंड कर रखे हैं, ठीक है, टू पोल्स, ये दो पोल हैं, ये इस रोड के साइड पे खड़े हैं, और दोनों पोल की हाइट क्या है वो सेम है। मैं मैन बोल रही थी, आदमी बोल रही थी, आदमी नहीं खड़े यहाँ पे, दो पोल खड़े हैं, और ये जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है, ये सेम है। तो अभी इससे आगे क्या बता रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, ये जो रोड है ना यहाँ पे किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, इन दोनों पोल के टॉप पे एंगल बनता है कितना 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इस रोड के किसी भी एक पॉइंट से जो ये पोल है ना इनके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, इस पे बन रहा है 60 डिग्री का और इस पे बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। ये पोल है यहाँ पे, कोई ये रोड है,
ठीक है, यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस टॉप ऑफ द पोल से बन रहा है 60 डिग्री और इस वाले टॉप से बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इन पोल की हाइट फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल। और ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, इस पॉइंट से इन पोल की डिस्टेंस कितनी है ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ए बी सी डी ई, लेट हाइट ऑफ द पोल कितनी हो जाएगी, एच मीटर ले लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये एच ली है तो ये भी एच होगी क्योंकि इन दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। अभी यहाँ पे बी डी, ये कंप्लीट कितना बता रखा है, कितना चौड़ा है ये रोड, 80 मीटर, ओके। बी सी और सी डी हमें, ये भी हमें फाइंड करना है, फाइंड बी सी एंड सी डी, ठीक है, बी सी और सी डी फाइंड करना है, बी डी हमें कंप्लीट गिवन है। तो देखो बी डी है ना बी सी प्लस सी डी के इक्वल होगा, तो बी डी 80 मीटर है, बस ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि आगे यूज होगा। और ए बी और ई डी को हमने क्या माना है, एच मीटर, जो ये भी हमें फाइंड करना है। तो अभी देखो इसमें वही दो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एच कॉमन है मतलब हाइट सेम है, तो ये कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएगा, एंगल कितना है 10 60 डिग्री, ये इसका परपेंडिकुलर है पी अपॉन बी, और ये इसका बेस है, तो ये कितना हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है, एच अपॉन बी सी हमें नहीं पता, 10 60 डिग्री कितना होता है रूट 3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी सी, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, एच अपॉन रूट 3 मीटर, क्या है मैंने बी सी की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई एच अपॉन रूट 3 मीटर, ठीक है। अभी देखो ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल ले गया था मैंने, अभी लेती हूँ मैं ई डी सी, इन ट्राइंगल ई डी सी कितना है 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ई डी अपॉन सी डी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू ई डी कितना है एच, और सी डी कितना है हमें नहीं पता, तो यहाँ से सी डी कितना निकल जाएगा एच रूट 3 मीटर, ये हो गया यहाँ से सी डी। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बी सी निकल गया एच अपॉन रूट 3 मीटर और सी डी निकल गया एच 3 मीटर। ये वाली जो है ना यहाँ पे हमने निकाला था बी सी बी डी, बी सी प्लस सी डी मतलब बी डी इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं क्या, पहले इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो अभी देखो अगर है ना हमें इसमें बी डी में बी सी और सी डी की वैल्यू पुट कर देंगे, बी सी कितना है एच अपॉन रूट 3 और सी डी कितना है एच अपॉन रूट 3, तो देखो नाउ बी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, तो बी डी कितना है, बी डी की हमें बता रखी है 80 मीटर, ठीक है। बी सी कितना है एच अपॉन रूट 3 और ये कितना है एच रूट 3। यहाँ से क्या करेंगे हम, रूट 3 को कॉमन लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा रूट 3 एच प्लस रूट 3, रूट 3 की मल्टीप्लाई होएगी तो कितना हो जाएगा 3,
हो जाएगा 3H हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके आगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आ गया 80H इक्वल्स टू H प्लस 3H अपॉन रूट 3। ठीक है, अभी रूट 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 80 रूट 3, और ये यहाँ से हो गया 4H, 3H प्लस H क्या हो जाएगा 4H, तो 4H इज इक्वल्स टू 80 रूट 3। एच को यहीं पे रखेंगे 80 अपॉन रूट 3 अपॉन 4, ये हो गया 20 रूट 3 मीटर। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई 20 रूट 3 मीटर। तो एच हमने क्या ले रखा था, हाइट ऑफ द टावर, हैंस हाइट ऑफ द टावर नहीं सॉरी पोल इज 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पोल तो निकल गई 20 रूट 3 मीटर। अभी हमें देखो यहाँ पे हाइट तो निकल गई इन दोनों पोल की, अभी हमें ये वाली इनकी BC और CD की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। मतलब इसने हमसे पूछ रखा था कि जो पॉइंट लिया है ना हमने इस वाइड इस जो रोड पे, तो वो इनसे कितना दूर है, इन पोल के फुट से कितना दूर है वो पॉइंट। तो मतलब हमें BC और CD भी फाइंड करना है। तो अभी देखो अगर H की वैल्यू निकल आई हमारी, तो हम H की वैल्यू इसमें पुट करेंगे एक बार और इसमें पुट करेंगे, सॉरी इसमें पुट करेंगे, तो BC भी निकल आएगा, BC निकालना है और CD निकालना है। तो BC H तो निकल आया है 20 रूट 3, एक बार तो है ना H को इसमें पुट करेंगे एक बार इसमें पुट करेंगे। पुट द वैल्यू H इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, BC इज इक्वल्स टू H अपॉन रूट 3। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा BC, H कितना है 20 रूट 3 अपॉन रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ये आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो जो BC की डिस्टेंस है वो कितनी है 20 मीटर। वैसे अगर हम देखो BC की तो 20 मीटर निकल गई, यहाँ से BC 20 मीटर निकल गई, ये पूरी 80 मीटर है, तो यहाँ से CD 60 मीटर डायरेक्ट पता चल जाएगा, लेकिन हम इसमें पुट करके ही देख लेते हैं। CD नाउ फ्रॉम नाउ द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, वो है CD इज इक्वल्स टू H रूट 3 मीटर। तो CD H कितना है, H की वैल्यू है 20 रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 20 रूट 3, रूट 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाती है 3, तो ये आ गया कितना 60 मीटर। ठीक है, तो देखो हमसे क्या क्या पूछ रखा था, इन पोल की हाइट पूछ रखी थी AB और ED, यहाँ पे हमने इसको H ले लिया तो H निकाल दिया, अभी हमसे BC और CD पूछ रखा था तो वो भी निकाल दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, अगर इन दोनों में अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है तो मैं मतलब आप मैंने जो समझाया उससे आप कन्फ्यूज हो रहे, तो कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले हम इस वाले ट्राइंगल को लेंगे फिर इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, दोनों में H सेम है, तो उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके यहाँ से हमारे क्या निकल जाएगी, H की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, H की वैल्यू निकलने के बाद ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ओके, अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछना, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।